जिला ऊना के हरोली उपमंडल के एक गांव के निवासी युवक के साथ शनिवार को डीसी कार्यालय परिसर में मारपीट करने और शहर भर में उसे अपमानित करके घुमाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। सोमवार को इसी मामले को लेकर हिंदू एकता मंच और करणी सेना सहित विभिन्न संगठनों ने पीड़ित युवक के परिजनों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ डीसी कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और युवक के साथ ऐसी हरकत को अंजाम देने के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठाई। आईडी पर पा दी थी ये इन गलती का भी अगले वास्ते गलती नहीं होगी। उसके बाद ऐसी बच्चे लोग बाजू से कारण ये है कि जैसा कि आपको पता है कि वो अमित वाल्मीकि नाम का लड़का है जो नंगल से है, उसने हमारे भूपेंद्र नाम के लड़के को अरेस्ट किया। एक दादागिरी दिखाई है कि शरेआम बाजार में अश्लील हरकतें की है, उसके साथ उसको जलील किया है। हिंदू समाज भड़का हुआ है। हम डीसी साहब को जो ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इसके जो ये कारनामे इनको बंद किया जाए, इसने ये जो धंधा हिमाचल में चलाया इसको बंद किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। जो आंदोलन एक बड़ा रूप ले लेगा उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। एक तो पहले एक कारण है, जो अमित वाल्मीकि नाम का बंदा जो रूली पर बंदे को एक हाथ से पकड़ कर सारे शहर में घुमाया जैसे कोई जंगल राज हो रहा है। एससी एसटी का उस पर दावा कर रहा था भाई, इसने एससी एसटी का इस पर केस डालना है। वो कानून का काम था, उसको कोई हक नहीं था जैसे मतलब पकड़ कर सारी बाजार में घुमाने का।